नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड ओमी राजपूत एक फ्रेंड है वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया जेसीबी की 4DX4X4 मशीन। तो आइए दोस्तों इसका फुल रिव्यू करते हैं, देखते हैं कैसी है ये मशीन। आइए दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जेसीबी की 4DX मशीन है, ये देख सकते हैं 4DX है। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ से मैं कि ये मशीन 4X4 है। अब आपको मैं बता दूँ 4X4 होता क्या है। 4X4 वो होता है जो डबल क्राउन एक साथ में चलेगा, जैसे कि आगे का टायर और पीछे का टायर एक साथ में काम करेंगे। जैसे कि कभी भी आपकी मशीन कहीं फंस जाती है तो ये दोनों 4X4 4x4 चालू करा तो ये चारों टायर एक साथ में काम करेंगे, ये होता है 4X4। तो आइए दोस्तों अब मशीन को देखते हैं शुरुआत से। तो दोस्तों सामने से देख सकते हैं इस तरीके का इसमें लोडर लगा हुआ है जो कि दमदार लोड रहेगा। और इस तरीके से दो जैक लगे हुए हैं यहाँ पर। आगे आ जाओ तो यहाँ पर इसका टायर रहेगा। टायर की साइज़ देख लो, 12.05 80.8। यहाँ से आ जाओ तो इसमें 120 लीटर का डीजल टैंक हैगा लगभग। इस तरीके से यहाँ पर फ्रेम दे दिए हैं चढ़ने के लिए। और यहाँ पर क्राउन देखा जाए तो दोनों का इस तरीके से हब क्राउन जिसे बोलते हैं, दोनों का एक बराबर है। देख सकते हैं आगे का टायर का भी एक ही बराबर है और पीछे का भी एक ही बराबर है। यहाँ पर एक शाफ्ट लगी हुई है जो कि आगे के टायर को चलाती है। और यहाँ पर क्राउन दिया हुआ है और ये जैक वो स्टीयरिंग रॉड दी हुई है पावर स्टीयरिंग के साथ। यहाँ से आ जाते हैं तो इसमें ये दूसरे तरीके का जैक दिया गया है। पहले जो जैक आते थे बिल्कुल खड़े वाले आते थे, अब ये जैक चेंज कर दिया गया है। और यहाँ से देख ले तो कुछ इस तरीके की है मशीन। बॉकेट देखो तो इसका बॉकेट मेरे को तो लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, बड़ा बॉकेट है इसमें। इस तरीके से देख सकते हैं एक सिलेंडर यहाँ पर भी दिया गया है जो कि हमको बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि बॉकेट हमेशा सीधा रहता है तो हम देख नहीं पाते ये चीज़ें। यहाँ पर दो सिलेंडर ये लगे हुए हैं, देख सकते हैं ये थोड़े छोटे रहते हैं ये सिलेंडर। और एक सिलेंडर यहाँ पर है जो कि इस तरीके का सिलेंडर है। यहाँ से आ जाओ तो आगे आके देखते हैं इसके पीछे के टायर की साइज़ है 16.928। यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ा सा हाइड्रोलिक टैंक दिया गया है जिसमें कि ज़्यादा जैक काम कर सके। और इस तरीके से है कुछ जेसीबी की 4DX मशीन, देख सकते हैं इसमें इंजन हैगा, बहुत ही हेवी इंजन दिया गया है। क्राउन तो आपको मैंने दिखाई दिया कि दोनों के क्राउन की साइज़ एक ही बराबर है, क्योंकि 4X4 मशीन है कि चारों टायर एक साथ में काम करने के लिए। और अंदर से कुछ देखते हैं मशीन को तो कुछ इस तरीके की ये मशीन है, देख सकते हैं जिसका मीटर हैगा कितने किलोमीटर चलती। बाकी यहाँ पर देखें तो पूरा डिजिटल मीटर दिया गया हैगा जो कि हम चालू करके देखते हैं। इस तरीके डायरेक्ट इसका फैन चालू हो जाता है बटन चालू करते ही साथ, आवाज़ ज़्यादा हो रही थी, देख सकते हैं मशीन ज़्यादा नहीं चली हुई है। इसमें डिजिटल दिया गया है पूरा सिस्टम, डीजल दिखा रहा है, ये देखो डीजल फुल हैगा, मिलिंग बता रहा है। और ये टेम्परेचर का है इस साइड में। और मशीन का जो एक्सीलेटर दिया जाता है इस तरीके से है यहाँ पर। और पीछे का जैक उठाने के लिए ये दो बाल दिए हुए हैं, पहले का बाल सामने आते थे इस तरीके के यहाँ पर रहते थे। और यहाँ पर लीवर भी इनने चेंज कर दिया, लीवर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लीवर है, इसको इस पुश करके अपने साइड दबा के अब अपन काम कर सकते हैं इस तरीके से। ये पास में आ चुके हैं दोनों लीवर, देख सकते हैं इस तरीके का लीवर हैं दोनों पास में आ चुके हैं और अब हम आसानी से काम कर सकते हैं। पहले के लीवर में यहाँ पर ये मोनो बने रहते थे, अब के मशीनों में इधर मोनो आ गए हैं, देख सकते हैं इधर ये मोनो बता दिए है दूर से ही। इस साइड का मोनो तो मेरे हिसाब से किसी ने निकाल के फेंक दिया है। आगे से देख ले तो कुछ इस तरीके की ये है इसका ब्रेक, ये है एक्सीलेटर, ये है गियर, ये है लोडर चलाने के लिए, सामने वाले लोडर चलाने के लिए। और इस साइड दे दिया है हैंड ब्रेक। और ये देख सकते हैं 4X4 इस तरीके से चालू होता है, इस बटन को दबा देंगे हम, ये नीचे चालू करा 4X4 चालू हो गया, आगे का टायर भी एक साथ में काम करने लगता है। इससे ये बटन को चालू करा 4X4 चालू हो जाता है। स्टीयरिंग देख सकते हैं जेसीबी की पावर स्टीयरिंग दी हुई है बिल्कुल।
और इसमें सीडी प्लेयर भी दिया हुआ था, मगर इसका सीडी प्लेयर खराब हो चुका है, देख सकते साउंड लगा हुआ जेसीबी का। एसी तो नहीं दी है मशीन में, इस तरीके की लाइट दी है, ऊपर से अच्छी स्मूथ सीलिंग दी हुई है, और इस तरीके की यहाँ पर डिग्गी दी हुई है दो, एक ये डिग्गी है और एक ये डिग्गी है, दो डिग्गी दी हुई है। गेट इस तरीके से है, पूरे लॉक वाले सिस्टम इस तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था जेसीबी का, जेसीबी 4DX 4X4 का फुल रिव्यू, और इसकी कीमत की बात कर लें तो लगभग 26 लाख से स्टार्टिंग है इस मशीन की कीमत। ये थोड़ा पुराना मॉडल हो चुका है, 2019 का मॉडल है ये, 2019 लास्ट का, और अभी प्रेजेंट में 2020 चल रहा है। तो दोस्तों अब मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, यदि अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों को शेयर करें, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सभी को, भारत माता की जय दोस्तों।